मैंने कर दी ऑनलाइन बुक। पहले तो ये चेक कर लो, बॉश कर दी, ये जरूरी नहीं था। तो आपको बताया मेरी बाइक में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट्स नहीं है, तो ये क्या कर रहे हैं? तो अब करने वाला हूँ मैं चेन ल्यूब। ये था वो गार्ड जो कि लूज हो गया था, लूज यहाँ से ये नट निकल गया था। तो ये हेलो गाइस, व्हाट्स अप, वेलकम टू माय अनदर ब्लॉग। तो आज है 4th of Jan। सो मम्मी सुबह सुबह गए हैं कहीं रिश्तेदारी में, तो आज तो मैं घर पे ही हूँ। लेकिन मैंने एक काम कर दिया जो कि बहुत ज़रूरी था। पहले तो ये चेक कर लो, वॉश कर दी, ये ज़रूरी नहीं था। सो हम गए थे पिछले कल दौलसिद प्रोजेक्ट, तो वहाँ पे पूरी ऐसी सैंड लग गई थी यहाँ पे चेन में। चेन बिल्कुल साफ कर दिया है, पहले तो मैंने वॉश की पूरी प्रॉपर क्लीनिंग प्लस शैम्पू से। 11 तारीख का अपॉइंटमेंट है। तो आपको बताया मेरी बाइक में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट्स नहीं है, तो अभी मैंने यही काम किया। संडे राइड पे जो हम गए थे, जो KTM का शोरूम था, तो वहीं पे बनती हैं हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट्स, पता नहीं बनती हैं कि वहाँ पे आती हैं। तो मैंने कर दी ऑनलाइन बुक, 72 रुपीज लगे टोटल, और फिटिंग सब कुछ सर्विस उनकी होगी, फिर लग जाएंगी हमारी हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट्स। तो इनका भी चलान है, प्रॉपर चलान है, 500 से 1000 तक का। और साथ में मेरी बाइक में आती थी आवाज़ जब हैवी गियर होता था। ये था वो गार्ड जो कि लूज हो गया था, लूज यहाँ से ये नट निकल गया था। तो ये तो ऐसे अंदर नट था, ऐसे मैंने लगाए और लग गया ये भी। तो मेन मेरे लिए यही था कि हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट्स लगानी है, क्योंकि इन फ्यूचर बहुत बढ़िया बढ़िया राइड्स प्लान होने वाली हैं। तो अब करने वाला हूँ मैं चेन ल्यूब, बहुत चेक करवाता हूँ कैसे करता हूँ। चलिए हमें चाहिए इंजन ऑयल। इंजन ऑयल का तो हमारे पास डब्बा भरा पड़ा है, तो यही थोड़ा थोड़ा सा लूँगा मैं कैप में। पहले तो हमें करनी पड़ेगी स्टार्ट। ये डल गया गियर, ऐसे फेंकते हैं यहाँ पे। तो चेन ल्यूब करते हैं हर 200 किलोमीटर 250 किलोमीटर के बाद, अपनी इच्छा होती है, मतलब कर देनी चाहिए, स्मूथ चलती है। माता जी घर पे नहीं है तो नहीं गया मैं कहीं घूमने, मेन रीजन है हमने रखी हुई है भैंसे, जो देखनी पड़ती हैं, उनको पानी वोनी घास वगैरह डालना पड़ता है। 2000 years later। तो फाइनली गाइस, अभी तो शाम के, पता नहीं टाइम भी चेक नहीं किया मैंने कितने बज रहे हैं, और ब्रांड भी नहीं पहना है आज। तो अभी मैं जा रहा हूँ बुलेट, थोड़ा सा सामान लेना है। ये भाई कितने ज़्यादा भर के जा रहे हैं ये ऊपर ऊपर तक, भाई मुझे लगा था ये एग्जोर का हेलमेट है। तो जो नंबर प्लेट मैंने अप्लाई की है, 11 तारीख का अपॉइंटमेंट है। तो हो गई गाइस हमारी शॉपिंग। ट्राफिक ट्राफिक ट्राफिक, BMW, ऐसे बीस्ट लगती है ना ये गाड़ी। भाई सनसेट चेक करो, क्या व्यू बन गया है। ये क्या कर रहे हैं, अजीब हस्तियाँ चली हुई हैं सड़क में। हमें थोड़ी देर रुकते हैं, मंदिर की थोड़ी आरती वगैरह सुनते हैं। ये चेक करो गाइस, और वो रोड ब्लॉक कर दिया इन्होंने, अब तो पुल पे भी नहीं जा सकते। और ये देखो टीन डल गई, पहले डल रही थी ना। निकलते हैं, ठंडी ठंडी हवा चली हुई है यहाँ पे, वरना क्या ही बना दिए ना, बकवास सा लुक कर दिया है, पहले वाली क्या मस्त लगती थी। लैंट्रा भी मैंने एक ही मॉडल देखा है, लैंट्रा भी नहीं देखी मैंने ज़्यादा। तो लाइट्स ऑन कर लेते हैं, आपको तो नहीं दिखेंगी लेकिन ऑन है आगे ब्लू लाइट्स। इसमें डिस्को भी आती हैं, जो कि हमारी जीजा जी की बाइक पे हैं, वो डिस्को भी बढ़िया लगती हैं रात के टाइम। मैं तो मन करता है बस चलाता रहूं चलाता रहूं चलाता रहूं।